अमदावाद खाते सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ गुजरात ने राज्यस्तरीय कॉन्फरेंस आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कॉन्फरेंस में राज्यभरना निवृत्त आर्मी जवानों खानगी सिक्योरिटी एजेंसी प्रतिनिधिओ उपस्थित रहा था। कोविड काल दरमियान सुरक्षा कर्मचारी आपेल सेवा बदल सम्मानित करवामां आव्या हता। आ प्रसंगे गुजरात राज्यना सीआईडी क्राइमना आईजीपी अनुपम सिंह गहलोत मुख्य अतिथि तरीके उपस्थित रहा था। आ प्रसंगे तेमणे राज्यना नागरिकों अने उद्योगोनी सुरक्षामां नोंधपात्र योगदान आपवा बदल खानगी सुरक्षा कर्मचारीओनी कामगीरीने बिरदावी हती। उनके पैनल 1 लाख अपना सिक्योरिटी गार्ड्स है, तो एक काफी अहम रोल सिक्योरिटी गार्ड्स का है अपने गुजरात की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कि आप भी जो वहां पर आपका डिप्लॉयमेंट है वहां पर लोकल पुलिस स्टेशन में लोकल सीनियर पुलिस ऑफिसर से आप मिलते हैं। आप मिलेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का आपस में जो एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन। आप भी जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमारे तरफ से बोलना होता है वो आपको बताई जाएगी कि आप इसके बारे में ध्यान रखिए, इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, जो आप भी देखोगे। पर्पस एक ही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी अपना स्टेट करें। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था और ये ईपीएफओ के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें ये बेनिफिट है कि जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो भी एम्प्लॉयर या जो भी एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, नए लोगों को नौकरी देती है, उनका जो पीएफ का पेमेंट है, उनका पीएफ का एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, दो शेयर होते हैं उसमें, वो दोनों शेयर गवर्नमेंट पे करती है अगर रिलेटिवली स्मॉलर कंपनी हो। अगर थोड़ी बड़ी कंपनी है तो भी एम्प्लॉय शेयर वो गवर्नमेंट पे करती है।